गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ज्ञान का अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने कक्षा 12 के डिफरेंशिएशन अवकलन का बेसिक पढ़ा था, हमने 25 फॉर्मूले किए थे। आज हम लोग उससे आगे कुछ और भी एग्जांपल्स करेंगे जो बेसिक पे आधारित होंगे, प्लस बीजीय व्यंजकों के थ्योरम के ऊपर भी आधारित होंगे, अर्थात योग, घटा, गुणा और भाग से संबंधित होंगे। तो आज हम लोग आगे का बेसिक शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम आज कल वाले फॉर्मूलों के ऊपर बेसिक सवाल। आज पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में है लोग x की क्यूब प्लस 1। पहले मैं शुरुआत कर लेता हूं, ये बेसिक है हमारा, अभी तक योग के ऊपर सवाल आगे ले लेते हैं। तो इसका शुरुआकलन करेंगे तो वही dy अपॉन dx, यहां लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करेंगे d अपॉन dx। यस, हम लोग ये राइट करेंगे सारी स्टेप्स, क्योंकि भी आरबीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में स्टेप्स के नंबर होते हैं, न कि कंपटीशन में। तो साइन का हमें डिफिनेशन करना पड़ेगा सबसे पहले, कॉस का नहीं। सर आप एक मिनट रुकिए, आपने एक बात बताई थी, सबसे पहले कहां से डिफिनेशन स्टार्ट होता है, पावर से। तो बेटा इसकी पावर कितनी है, एक। एक पावर का हमें डिफिनेशन, सर वही एक आएगा, तो ये लीजिए कॉस। अब हम आगे ब्रैकेट में एंगल, एंगल नो चेंज, लॉग एक्स की क्यूब प्लस 1, ये लीजिए कंप्लीट। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे आगे, साइन का कर चुके, पावर का कर चुके हैं। यहां से हम जैसे अंदर घुसे, सबसे पहले कौन आया, साइन, साइन का सर कोस, एंगल में नो चेंज। अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना आगे, डी अपॉन डी एक्स, किसका, लॉग का, लॉग एक्स की क्यूब प्लस 1 का करना है। ये लीजिए सर, हमने एक्स की क्यूब प्लस 1 का लिखा, ये लॉग का। अब हम वापिस इसी के अंदर भी उसी नियम को फॉलो करेंगे, लॉग एक्स की क्यूब प्लस 1 ब्रैकेट बंद। अब हमें सबसे पहले पावर कितनी है, एक। तो बेटा x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक गुणा x की समथिंग की पावर 0, उसका मान क्या होगा, एक होगा, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे x की क्यूब का करेंगे, तो लॉग का करेंगे, तो एक बटे एक्स की क्यूब प्लस 1 करेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखें अच्छी तरह से, एक बटे एक्स की क्यूब प्लस 1 हो गया है। अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की क्यूब का करेंगे, एक्स की क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स की क्यूब प्लस 1 का, ये लीजिए कॉस, लॉग एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स की क्यूब का क्या हुआ, 3x² और प्लस 0। 3x² प्लस 0 क्या होता है, 3x² ही होता है, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथ में, आंसर आएगा 3x² कॉस ब्रैकेट स्टार्ट, और क्या आ जाएगा, लॉग एक्स की क्यू प्लस 1 ब्रैकेट बंद अपॉन एक्स की क्यू प्लस 1, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इस प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपलों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, तो वो भी देख लीजिए किस प्रकार से होगा। अगला एग्जांपल है आपका वाई इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस टेन ब्रैकेट में 1 की पावर x, ये हमारा क्या है, अगला डिफरेंशिएशन है। तो हमें करेंगे dy अपॉन dx। अब हम चल चुके हैं अवकलन के बीज के गुणधर्मों की पालना के ऊपर बात करते हैं, तो पहले प्लस का, तो पहले हमें अलग अलग अवकलन करना है, d अपॉन dx साइन log x और प्लस d अपॉन dx टेन 1 की पावर x। यस, यहां हमें लिखना है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं इस फॉर्मूलो की बात करूं, मैं तो आपको मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था u प्लस v का, हमारे यहां फॉर्मूला लगा है u प्लस v का, दो फलों का योग हुआ है, उनके बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हम दोनों को अलग अलग कर लिया। हम इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप राइट करें, तो देखिए सर पहले ब्रेकेट में लिखेंगे साइन log x, फिर सर प्लस टेन e की पावर x। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि अंदर छोटा ब्रैकेट है तो बाहर कौन सा ब्रैकेट लगाना है, आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है। यह आ जाएगा आपका अवकलन, पहले d अपॉन dx साइन का आ जाएगा,
साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स और प्लस डी अपॉन डी एक्स टेन के ब्रैकेट में एंगल में कौन आएगा की पावर एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस, साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस, ब्रैकेट वही रहेगा, कौन वही रहेगा बेटा लॉग एक्स। अब हमें किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, लॉग एक्स का प्लस टेन का सेक स्क्वायर, कौन वही रहेगा ई की पावर एक्स। अब हमें किसका डिफ्रेंशिएशन करना है ई की पावर एक्स का। अब हम आगे चलेंगे, ये लीजिए कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स, लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। अब आप अच्छी तरह से देखिए बेटा, इसकी पावर वन थी, वन का हम कर चुके हैं, फिर हम किसका किया लॉग का वन अपॉन एक्स। अब हम किसका अवकलन करेंगे एक्स का, एक्स का अवकलन क्या होता है एक, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, प्लस सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स और प्लस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स, आपका फाइनल आंसर है। ये आपको इस प्रकार से करना है, यहाँ भी यू डॉट वी लगा है, ये बात सॉरी यू डॉट वी कह रहा हूँ, यहाँ पर चैन रूल लगा है, पहले हमने टेन का किया है सेक स्क्वायर, फिर हम किसका करेंगे ई की पावर एक्स का करेंगे। यदि यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है आप लोगों को तो मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये बात भी आप अच्छी तरह से ध्यान दे लें। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं हम, सवाल नंबर तीन, सवाल नंबर तीन की बात करें तो y इज इक्वल टू दे रखा है log sin x प्लस tan इनवर्स e की पावर x। वापिस वही क्या चुका है, दोनों फलों के बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो हम सर नियम वही लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। यस, पहले हम प्रॉपर्टी गुणधर्म लगा सूत्र लगाएंगे, बीजीय गुणधर्म की पालना करेंगे हम यहाँ पे, tan इनवर्स ये आपका प्लस है tan इनवर्स e की पावर x, ये कंप्लीट ब्रैकेट बंद। सर u प्लस v, पहले अवकलन u का फिर प्लस फिर v का, तो d अपॉन डी एक्स log sin x और प्लस d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स e की पावर x। अब चलते हैं हम एक बटे साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ अब आप बोलोगे सर आपने जल्दी नहीं करना है भाई, आराम से स्टेप टू स्टेप अच्छी तरह से देखिए, पहले मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया है, देखिए पहले लॉग का किया है, यहाँ लॉग की टोटल होल पावर कितनी है एक है, तो पहले मैंने एक का किया सर, एक गुणा हो जाएगा, फिर मैंने लॉग का डिफरेंशिएशन किया है वन बटे साइन एक्स, फिर मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया है साइन एक्स का, प्लस अब किसका करेंगे टेन इनवर्स का। सर टेन इनवर्स का क्या होगा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स। अब हम किसका अवकलन करेंगे डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का। अब आप लोग बताइए ई की पावर एक्स का क्या होता है और साइन एक्स का, साइन एक्स का तो कोस एक्स हो गया, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है बेटा, और वन प्लस ई की पावर टू एक्स, ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, कंप्लीट डी वाई अपॉन डी एक्स। यह गुणधर्म आपके योग के ऊपर आधारित था, यदि यही गुणधर्म हम करें ऋणात्मक में घटा के ऊपर माइनस के ऊपर तो हम किस प्रकार से करेंगे, तरीका वही रहेगा, बस मैं सवाल आपको फिर दोबारा एक और करवा देता हूं, इसमें उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चिन्ह का ही चेंज आएगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है वो ये है, y इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं साइन ब्रैकेट में कोस और इसके ब्रैकेट में बी की पावर एक्स प्लस सॉरी माइनस माइनस एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर, सॉरी ये भी माइनस ही ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में प्लस ले लेते हैं, एक ही बात है। इसका मुझे अवकलन करना है तो कैसे करना है, तो देखिए सवाल करने का तरीका वही रहेगा, आप कहोगे सर दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, दो फलन दे रखे हैं, एक त्रिकोणमितीय फलन है एक बीजीय व्यंजक यानी कि अल्जेब्रिक फंक्शन है बहुपदीय, तो हम दोनों के ऊपर काम करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, आप लोगों को मालूम है डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपका ये फिक्स रहेगा, डी अपॉन ऑफ डी एक्स
ब्रैकेट स्टार्ट साइन ऑफ कॉस ब्रैकेट में e की पावर x माइनस x की क्यूब प्लस x की स्क्वायर, ये ब्रैकेट में भी है तो आप ब्रैकेट में रखें, ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ किसका चिन्ह लग जाएगा बेटा, माइनस का लग जाएगा, यहाँ साइन का क्या हो जाएगा कॉस, सॉरी पहले हम u माइनस वी को फॉलो करेंगे भाई, d अपॉन डी एक्स साइन, ये लीजिए ब्रैकेट में कॉस e की पावर x और माइनस डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर। तो शुरुआत करते हैं, साइन का हमें पहले क्या करना है कॉस, पहले साइन का अवकलन करना है बेटा कॉस, एंगल जो भी है वो सेम रखना है कॉस ऑफ ई की पावर एक्स, ये लीजिए कंप्लीट। अब हमें डी इसका करना है, अब हमें तो इसके अंदर भी देखो यू प्लस वी लागू होता है, तो क्यों नहीं आप लगाइए आराम से वी यू, ये भाई यहाँ पे रह गया था, ये हमने कोस का ही किया, अब कोस के ई की पावर एक्स का लिखना रह गया था, अब हम कोस ई की पावर एक्स का भी अवकलन करेंगे माइनस। अब यहाँ पे आ जाते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब और प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स की स्क्वायर, ये लीजिए कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, कोस ब्रेकिट में कोस ई की पावर एक्स, कोस ई की पावर एक्स का पहले कोस का करेंगे, कोस का क्या होगा साइन, कोस का क्या होगा साइन ए की पावर एक्स, अब किसका करेंगे ए की पावर एक्स का, दोबारा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का। मैंने कल कहा था अवकलन हमेशा चोटी से वर्टेक्स स्टार्ट होता है, तो पहले पावर से पावर का डिफरेंशिएशन किया वही आया, फिर हमने किसका किया साइन का कोस आया, एंगल वही रहा, फिर हमने किसका किया कोस का, ये देख लीजिए साइन, फिर हम किसका करेंगे ई की पावर एक्स का, ये देखिए की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स हो जाएगा, फिर देखो इसका किया साइन का किया कोस का किया ई का किया, अब एक्स का भी करेंगे। अर्थात अवकलन बेटा हमेशा प्रत्येक पद का होगा स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे, तो माइनस एक्स की क्यूब का डायरेक्ट कर सकते हैं सर थ्री एक्स की स्क्वायर और एक्स की स्क्वायर का 2x, ये लीजिए सर कंप्लीट। अब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करवा दीजिए, e की पावर x का अवकलन आप बता दीजिए, e की पावर x ये आ गया cos, cos e की पावर x कंप्लीट, और sin, sin e की पावर x और e की पावर x का भाई मैंने पहले लिख दिया है, और माइनस 3x की स्क्वायर माइनस 2x, ये आपका dy अपॉन dx है कंप्लीट का, पूरे का पूरे का आंसर है ये dy upon dx, अर्थात y का x के सापेक्ष आपका अवकलन है, इस प्रकार से आपको ये करना था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, हमें एग्जाम्पल प्लस पे ले लिए हैं माइनस पे ले लिए हैं, हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं एक दो मिक्स का ले लेते हैं, प्लस भी हो उसमें साथ में माइनस भी हो, हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे गुणधर्मों के ऊपर। अब हम बीजीय गुणधर्मों को डिस्कस कर रहे हैं, दो फलों के बीच में योग और घटा का चिन्ह हो माइनस का चिन्ह हो तो अब हम उनका अवकलन कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं y इज इक्वल टू log tan इनवर्स x माइनस साइन ऑफ x की क्यूब प्लस sec इनवर्स a की पावर x, ये प्लस का है ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का है। हम शुरुआत करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx, आप कहोगे सर सबसे पहले सभी को ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक साथ, ये ले लीजिए सर लिख लेते हैं, पर भई अब आप इसको स्टेप्स को इतना लंबा ना करें, बेहतरीन है आप यहाँ पे फॉर्मूले याद रखें और डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दें, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे इससे बेहतरीन फायदे में ये रहेगा आपके कि सर इसको मैंने जैसे किया इसका आंसर डायरेक्ट, इसको अलग लिख सकता हूँ इसको अलग और इसको अलग, क्योंकि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है फॉर्मूला नंबर 19-20 लगा है प्लस का और माइनस का बीजीय गुणधर्म का। तो देखिए लॉग का अवकलन देखिए भाई आप लोग कि सर d अपॉन डी एक्स पहले हमें अलग अलग कर लेते हैं, हम u माइनस प्लस v माइनस v वाला नियम लगा लेते हैं, माइनस d अपॉन डी एक्स साइन x की क्यूब और फिर हम भाई d अपॉन डी एक्स sec इनवर्स a की पावर x, ये भाई a की पावर में रखना है ध्यान रखें आप अच्छी तरह से, ये कंप्लीट हुआ है आपका, ये भी इसके पावर ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये भी ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसकी पावर कितनी है एक है। अब हम किसका अवकलन करेंगे लॉग का, तो लॉग का सर 1/x, x की जगह तो कौन है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x, ये लीजिए कंप्लीट सर।
अब हमें किसका, पहले पावर का, पावर वन थी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर लोग का, फिर लोग के बाद टेन इनवर्स का, ये लीजिए सर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स का, फिर माइनस, हम यहां किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, कोस का, कोस एक्स की क्यूब, अब हम किसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स, पावर का क्या वन, साइन का क्या कोस, अब एक्स की क्यूब का करेंगे प्लस, अब हम यहां किसका करेंगे सेक इनवर्स का, तो सर सेक इनवर्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स रूट एक्स की स्क्वायर माइनस एक क्यों और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक ही पावर किसका एक्स का। अब आगे चलते हैं बेटा, ये आपका आ गया टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा भाई वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स हो गया है, इसका क्या होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये लीजिए कंप्लीट माइनस ये एक्स की क्यूब का क्या हो जाएगा इस बार थ्री एक्स की स्क्वायर हो जाएगा और कोस एक्स की क्यूब प्लस ये लीजिए एक ही पावर एक्स बाहर है ब्रेकेट के अंदर क्या दे रखा है रूट के अंदर एक एक्स की होल स्क्वायर माइनस एक दे रखा है इंटू एक ही पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक ही पावर एक्स लोग ए होता है एक ही पावर एक्स लोग ए होता है एक ही पावर एक्स से एक ही पावर एक्स कैंसिल आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये बनता है कि सर वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की स्क्वायर कोस एक्स की क्यूब और प्लस लोग ए अपॉन ए की ए रूट के अंदर आएगा भाई रूट के अंदर आएगा ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन। ये आपका कंप्लीट आंसर आया है। इसके अंदर प्लस भी था माइनस भी था प्लस भी था प्रतिलोम भी था लोग भी था और बीजीय व्यंजक भी था चर घातांकी भी था सारे फलन इसके अंदर हम आ चुके हैं। इस प्रकार से हम इनके सवाल प्लस और माइनस आधारित बीजीय गुण रूपे कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लोग बीजीय व्यंजकों के अंदर गुणन नियम पर चलते हैं। तो देखिए गुणन नियम की बात करते हैं हम लोग तो गुणन नियम की बात करते हैं तो कैसे करेंगे यानी कि दो अवकलन गुणन नियम अवकलन का गुणन नियम कैसे दो फलन यदि गुणा में दे रखे हों। पहला सवाल शुरुआत करते हैं एक ही पावर एक्स साइन एक्स हमें इसका अवकलन करना है यू डॉट वी मेथड लगाना है तो हम लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे हम लोग तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ये क्या आएगा ई की पावर एक्स है साइन एक्स। अब देखिए यू डॉट वी आप यू डॉट वी का मेथड फॉर्मूला बताइए भाई मेथड तो मैं बता रहा हूं आप फॉर्मूला बताइए कि सर फॉर्मूला क्या होगा यू डॉट वी का फॉर्मूला देखिए क्योंकि डी बाई अपॉन डी एक्स यू डॉट वी इज इक्वल टू यू डी वी बाय डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स ये आपका कंप्लीट हुआ है। तो हम इसका शुरुआत करते हैं कैसे करना है तो देखिए ये फॉर्मूला हम यहां लगाते हैं ये u ले लेते हैं बेटा ये v मान लेते हैं ये आपको दिमाग में ही मानना है न कि अलग से लिखना है तो ये u तो e की पावर x d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स और d बाई डी एक्स ये किसका होगा बेटा e की पावर x का। अब बताइए आप लोग इसका तो आप जानते हैं सर ये तो cos x हो गया अरे भाई साइन का हुआ है x का सर आप हो गया वन हुआ है अब प्लस आगे चलते हैं ये किसका है साइन एक्स अब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का बताइए क्या हुआ ई की पावर एक्स अब ई की पावर का एक्स का हुआ है अब हमें किसका करना है एक्स का तो सर वन हो गया ये आपका आंसर आ गया है। आप ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं बेटा कोस एक्स प्लस साइन एक्स ये आपका आया है डी वाई अपॉन डी एक्स ये कंप्लीट आंसर है आपका। आप इस प्रकार से यू डॉट वी नियम की पालना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ई की पावर एक्स के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और गुणन नियम पे आधारित y इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स तो मन तो ऐसे कर रहा है सर ये तो दोनों कैंसिल हो गए क्यों x इंटू एक्स की पावर माइनस वन सर x की पावर वन माइनस वन x की पावर जीरो सर वन यही है ऐसा इसका कर लेते हैं सर एक की पावर तो वन है और एक की पावर कितनी है माइनस वन है ऐसा जोड़ने से फायदा हो जाएगा अपने को मेरे को लग रहा है नहीं भाई ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है
और ये बेटा आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इन दोनों में दिन रात का अंतर होता है, ये बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 12th की सेकंड एक्सरसाइज है सीबीएसई में और आरबीएसई दोनों के अंदर। हाँ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अलग चीज़ों को परिभाषित करता है, एक वास्तविक संख्या होती है वो खुद अपने आप में वास्तविक संख्या में परिभाषित होता है, जबकि साइनक्स त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह भी वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित होता है, परंतु उसका मान एक डिग्री में या कोण में या रेडियन में आता है, वास्तविक संख्या में आता है, डिग्री या कोण पर परिभाषित किया जाता है, जबकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात वास्तविक संख्या पर परिभाषित करने के बाद उसका अंशवर, ये वास्तविक भी साइन इनवर्स एक्स है, ये अपने आप में एक डिग्री है, ये कोई जैसे वन लिख लेता हूँ, जबकि साइन पाई बाई टू एक वन है, अर्थात ये कंप्लीट एक वास्तविक संख्या है, जबकि ये कंप्लीट एक अपने आप में क्या है, कोण है, तो दोनों में अंतर है, ये विशेष बात आप ध्यान रखें। आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, हमें अवकलन करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट स्टार्ट साइन एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स, ये लीजिए, मैंने यहाँ लिख दिया साइन एक्स, यहाँ लिख दिया डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, प्लस यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स एक्स और डी बाई अपॉन डी एक्स, किसका भाई, एक का अवकलन हो चुका है, तब तक एक को कांस्टेंट रखना है, मैं यहाँ साइन एक्स को कांस्टेंट रख रहा हूँ तो किसका अवकलन करूँगा, साइन इनवर्स एक्स का, इस बार साइन इनवर्स एक्स को कांस्टेंट रख रहा हूँ तो किसका अवकलन करूँगा, साइन एक्स का। अब हम इसका अवकलन करते हैं, ये लीजिए साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये मैंने देखो अच्छी तरह से देखो, पहले किसका क्या है, वन का पावर वन होती है तो उसका वन, फिर साइन इनवर्स का, फिर एक्स का, अब चलते हैं प्लस, ये लीजिए सर साइन इनवर्स एक्स, और ये साइन एक्स का सर क्या हो जाएगा, कोस एक्स, आपका आंसर आ गया है भाई, साइन एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स डॉट साइन इनवर्स एक्स, ये आपका यू डॉट वी पे आधारित सवाल है, दो फलनों के गुण नियम पर आधारित है, या हमने फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स यू डॉट वी का लगाया है, यू डी वी बाय डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स का लगाया है, ये बात आप ध्यान रखें, यह था आपका गुण नियम आधारित सवाल दूसरा। नेक्स्ट चलते हैं, उसके अंदर हम तीन ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट ए की पावर एक्स डॉट लॉग एक्स, तब कैसे होगा भाई, तब भी ये यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ये बात आप ध्यान रखें अच्छी तरह से, तब भी हम इसको आंसर इसी प्रकार से ही करेंगे, ये साइन एक्स की जगह और ले लेते हैं, काज इस बार हम कोसेक एक्स ले लेते हैं, कोसेक एक्स ले लेते हैं, तो देखिए डिफरेंशियल वापिस वही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लीजिए कोसेक एक्स डॉट ए की पावर एक्स डॉट लॉग एक्स, यस कैलकुलेशन के अंदर मैंने कहा था कि लॉग में जहां पर भी पावर नहीं दे रखा हो आधार, तो उसका आधार हमेशा क्या होता है, ई होता है। आगे चलते हैं, वैसे लॉग के मैंने 10 गुणधर्म अलग से लिखा रखे हैं, लॉग कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को लिखा रखे हैं, तो आप उन लोगों को भी थोड़ी कंप्लीट पढ़ के ही आप इसको चैप्टर को स्टडी करें साथ साथ, तो और भी फायदा रहेगा, वो गुणधर्म भी यहाँ पे बहुत काम आएंगे, और यदि किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो हम इसी YouTube चैनल के ऊपर लॉग की भी एक वीडियो डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, बाकी यदि अब तक नहीं पहुँची है तो आप उसके अंदर सर्च करें, मिल जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए कोसेक एक्स, यदि हम यहाँ यू डॉट वी का नियम करते हैं, तो यहाँ तीन है भाई, मैंने ये सूत्र बताया था यू वी डब्ल्यू के ऊपर, तो यहाँ दो का अवकलन करेंगे ना, दो को कांस्टेंट रखेंगे तो एक का अवकलन करेंगे, तो हम पहले दो को कांस्टेंट रख लेते हैं और एक का अवकलन कर लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस, अब हम किसी दो को नेक्स्ट को कांस्टेंट रख लेते हैं कोसेक एक्स डॉट लॉग एक्स, अब हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, अब हम आगे क्या करेंगे प्लस डी अपॉन, इस बार दो को कांस्टेंट रख लेते हैं ई की पावर एक्स लॉग एक्स को, और इस बार किसका लास्ट कौन बच गया कोसेक एक्स, ये देख लीजिए भाई, हमने पहले इन दो को कांस्टेंट रखा तो लॉग का किया, इस बार हमने इन दोनों को रखा तो ई की पावर एक्स का किया, इस बार हमने इन दोनों को रखा तो कोसेक एक्स का किया, आपकी मर्जी जो दो कांस्टेंट रखते हो उसमें से वो एक साथ लिख दो और बाकी एक का अवकलन, इसका अवकलन कीजिए कोसेक एक्स डॉट ई की पावर एक्स और इंटू वन बाय एक्स प्लस कोसेक एक्स डॉट लॉग एक्स और डॉट ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स,
e की पावर x का औकलन e की पावर x, x का औकलन a प्लस e की पावर x log x, और cosec x का आप लोग बता दीजिए माइनस cosec x cot x। इसको सरल कर लीजिए, आंसर आएगा e की पावर x cosec x अपॉन x प्लस cosec x log x e की पावर x और माइनस e की पावर x log x cosec x और cot x। ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है dy अपॉन dx। दो फलनों यहां तीन फलनों का आपस में गुणा था, अर्थात यहां u डॉट v डॉट w का फॉर्मूला लगा है। ये बात आप देख लें अच्छी तरह से, ये था आपका u v और w, u डॉट v डॉट w, u प्लस v और u माइनस v पे आधारित सवाल। आज आप लोग इनका इनसे भी आधारित सवाल करें और भी प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद आपको कल इसके भाग की विधि के ऊपर बताया जाएगा, u अपॉन v भाग विधि के ऊपर डिस्कस किया जाएगा अवकलन की नेक्स्ट बीजीय गुण धर्म होगा वो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।